दोस्तों बात कर, बहुत ही शानदार मुकाबला होने वाला है। 88 रन बन चुके हैं, टाइटन जीतने वाली है ऐसे लग रहा है। देखना होगा कौन सी टीम जीतती है। 75 रन की आवश्यकता है, 51 गेंदों का खेल बचा हुआ है। मैच बहुत ही कांटे का हो रहा है, कौन सी टीम जीतेगी कहना मुश्किल रहेगा, लेकिन ऐसे लग रहा है कि यहां से टाइटन जीत सकती है। रन रेट जरूर कम चल रहा है टाइटंस का, लेकिन टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। 88 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर, और डॉल्फिन ने 162 रन बनाए हुए थे। बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पर टाइटंस की टीम को। टाइटंस की टीम को 75 रन की आवश्यकता है, 50 गेंदों का खेल बचा हुआ है। क्या लगता है आपको कौन सी टीम जीतने वाली है, कमेंट कर सकते हैं आप। दोस्तों बहुत ही शानदार मुकाबला होने वाला है। पचहत्तर रन की आवश्यकता है, 49 गेंदों का खेल बचा हुआ है। देखते हैं कौन सी टीम जीतती है यहां पर। 11.5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, डॉल्फिन की जीतने वाली या फिर टाइटंस की टीम जीतने वाली है। बात करें तो बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है इस वक्त। 89 रन बन चुके हैं, 12 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। रन बात करें 74 रन की आवश्यकता है 48 गेंदों में। पार्टनरशिप की बात करें तो 7 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों के बीच। नेल ब्रांड को अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत है अगर टाइटंस ये मैच जीतती है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि डॉल्फिन जीतने वाली या टाइटंस। बात करें रियल टाइम विन परसेंटेज की तो 79 डॉल्फिन को दिखा रहा है और टाइटंस के लिए 21% दिखा रहा है। आपको क्या लगता है, आप बता सकते हैं डॉल्फिन जीतने वाली या फिर टाइटंस। कैसा रहने वाला ये मुकाबला, 8 ओवर का खेल बचा हुआ है। मुकाबला सिर्फ 8 ओवर का बचा हुआ है और कौन सी टीम यहां पर जीतती है देखने वाली बात रहेगी। यहां पर टाइटंस जीतने वाली या फिर डॉल्फिन जीतने वाली है। थोड़ी सी पार्टनरशिप अच्छी करनी होगी। टाइटन की टीम को 73 रन की आवश्यकता है, 47 गेंदों का खेल बचा हुआ है। मुकाबला बहुत ही शानदार चल रहा है, आप कह नहीं सकते हैं कौन सी टीम जीतने वाली है। और अगली बॉल के लिए तैयार। और इस बॉल पर कोई रन नहीं आया। बढ़िया बल्लेबाजी करने की जरूरत है अगर डॉल्फिन की टीम यह मैच जीतना चाहती है। 12.3 ओवर का खेल हो चुका है, 91 रन बन चुके हैं 4 विकेट नुकसान पर। देखते हैं क्या स्कोर बनाने वाली है, किस तरह की बल्लेबाजी करने वाली है टीम। मोहम्मद शौकत अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि टाइटंस की टीम जीतने वाली है। शौकत अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर शौकत अली जी हमारे साथ हैं तो कमेंट्स में कुछ और लिख दें जिससे आइडिया लगे कि हाँ हमारे साथ अभी भी हैं। टाइटंस और डॉल्फिन के बीच ये फाइनल मुकाबला चल रहा है और कौन सी टीम जीतने वाली है। बहुत ही कांटे का मुकाबला चल रहा है इस वक्त। शौकत जी हैं या चले गए, कमेंट में कुछ लिखकर भेजें। गाइस जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो कुछ कमेंट में करें। दोस्तों बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है इस वक्त, 93 रन स्कोर हो चुका है और 13वां ओवर खत्म होने वाला है। क्या टाइटंस जीत पाएगी या फिर डॉल्फिन जीत रही है। ओके शौकत जी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, बहुत ही बढ़िया। शौकत जी लग तो रहा है मुझे टाइटंस जीतने वाली है, लेकिन थोड़ा सा फाइट दिख रही है इस वक्त। 1 से 2 ओवर में अच्छी बल्लेबाजी करती है अगर टीम टाइटंस तो जीत जाएगी।
देखने वाली बात यही रहेगी कि टीम कैसी बल्लेबाजी करती है यहाँ से, टाइटन जीत रही यहाँ पर या फिर डॉल्फिन। स्कोर की बात करें तो 93 रन बन चुके हैं, अभी 70 रन की आवश्यकता है 42 गेंदों में, 42 गेंदों में 70 रन की आवश्यकता है। दोस्तों मुकाबला बहुत ही शानदार चल रहा है इस वक्त, बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है। बात करें तो कोई सी टीम जीत सकती है यहाँ पर कहना मुश्किल है, कौन सी टीम जीत रही है अभी कह नहीं सकते हैं। देखने वाली बात रहेगी कि क्या यहाँ पर किस टीम की तरफ से बढ़िया गेम रहने वाला है। गाइस मुकाबला बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और देखने वाले, एक चौका निकल कर आता हुआ टाइटंस के लिए, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। 97 रन स्कोर हो चुका है स्कोर की बात करें तो 97 रन हो चुके हैं और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करनी होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। दोस्तों जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन सी टीम लग रहा है जीतने वाली है, और मुकाबला अभी बात करें तो बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट में कुछ लिखकर भेजें, इससे हमें आइडिया लगे कि हमारे साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है इस वक्त, स्कोर की बात करें तो 97, 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला रहने वाला है इस वक्त। बल्लेबाजी अभी तक तो ठीक हो रही है, 66 रन की आवश्यकता है, 38 गेंदों का खेल बचा हुआ है। यहाँ पर 102 ओवर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अगर टाइटंस यह मुकाबला जीतना चाहती है। और बात करें नील ब्रांड तो बहुत ही बढ़िया खेलने की ज़रूरत है, जे जे स्मार्ट्स जो अच्छी बल्लेबाजी की है आज उन्होंने, और इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं, 2.4 ओवर फेंक चुके हैं, 24 रन खर्च किए हैं उन्होंने। स्कोर की बात करें तो 98 रन बन चुके हैं और एक सिक्स निकल कर आता होगा। जैसा हम कह रहे हैं कि बल्लेबाजी बेहतरीन करनी होगी तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त। ओ बाउंड्री लाइन पर लपक लिए गए हैं और यहां पर नील ब्रांड आउट हो जा रहे हैं, बहुत ही बड़े कैच पकड़ा है, ऐसे लग रहा था ये बाउंड्री से क्रॉस कर जाएगा पर बहुत ही शानदार कैच इस वक्त पकड़ लिया है। दोस्तों झटका लगता हुआ इस समय टाइटंस को, देखने वाली बात रहेगी कौन सी टीम यहां पर जीत रही है। बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है इस वक्त बात की जाए, और एक सफलता मिल रही है इस समय डॉल्फिन की टीम को, मैच में बढ़त बन गई है उनकी। अब बढ़िया सफलता मिली है इस वक्त डॉल्फिन की टीम को और बढ़त में आ गई इस वक्त इस विकेट मिलने से। तो बात करें 37 गेंदों का खेल बचा हुआ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुज प्रजापति जी। क्या लगता है प्रजापति जी, आपको कौन सी टीम जीतने वाली है आप बता सकते हैं? तो बहुत ही शानदार मुकाबला इस वक्त चल रहा है दोनों टीमों के बीच, CSA T20 चैलेंज का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। अनुज प्रजापति जी हमसे पूछ रहे हैं कौन सी टीम जीत रही है, आप बताइए ना कौन सी टीम आपको लग रहा है। मेरे हिसाब से तो मुझे अभी तक टाइटंस लग रही थी जीत जाएगी, लेकिन जिस तरह से विकेट गिर गया है तो समस्याएं आ सकती हैं टाइटंस के लिए। बात की जाए डॉल्फिन तो 162 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर, और टाइटंस की बात करें टाइटंस की तो 99 रन बन चुके हैं, एक खिलाड़ी आउट अभी और हुआ है तो 5 रन खिलाड़ी आउट हो चुके हैं उनके। सूरमा बेगम हमसे कह रहे हैं, अपना नाम लिख के भेजिए भाई साहब, पता नहीं कौन था, कह रहे थे कि टाइटंस जीतने वाली है। बढ़िया मुकाबला चलता हुआ इस वक्त, बहुत ही बेहतरीन मैच चल रहा है और डॉल्फिन और टाइटंस के बीच कड़ा मुकाबला इस वक्त हो रहा है। देखने की बात यही रहेगी कि एंड में कौन सी टीम यहां से जीतकर बाजी मारती है।
दोस्तों यह मुकाबला डॉल्फिन और टाइटंस के बीच फाइनल में चल रहा है इस वक्त, और यह मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी यह बात अभी कह नहीं सकते हैं। मोहम्मद शौकत अली जी कह रहे हैं, कैसे हो भाई? भाई बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है, आप बताओ। हमारे साथ प्रसभा बगाने जी जुड़े हुए हैं, टाइटंस बिन विल 100%। बहुत ही बढ़िया जी, कोई तो है जो कह रहा है कि टाइटंस 100% जीतने वाली है। और भी लोग बता सकते हैं कि टाइटंस क्या मुकाबला अच्छे से जीतने वाली या फिर नहीं जीतने वाली है। बात की जाए टाइटंस तो 100 रन हो चुके हैं टाइटंस के। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं बता सकते हैं कि कौन सी टीम यहाँ से जीतने वाली है। बात की जाए डॉल्फिन और टाइटंस के बीच ये मुकाबला चल रहा है, और मुकाबला बेहतरीन होने वाला है, क्या एंड तक जाने वाला है। 35 गेंदों में 63 रन की आवश्यकता है, और एक चौका लगता हुआ शानदार बाउंड्री आती हुई इस वक्त टाइटंस के लिए एक बढ़िया चौका आता हुआ इस वक्त। और स्कोर की बात करें तो 104 रन हो चुके हैं। स्कोर की बात करें तो 104 रन, 5 विकेट के निशान पर बस। हमारे साथ सुरमा बेगम जी जुड़े हुए हैं, आप अपना नाम लिख के भेजिए। ये किसी और की आईडी है क्या? फ्री प्रोडिक्शन क्या चीज़? सुरमा बेगम जी कह रहे हैं फ्री प्रोडिक्शन डॉल्फिन बिन। ओके जी, जैसा आप बता रहे हैं, ऊपर आपसे पहले एक कमेंट आया हुआ था बेगाने जी का, जो कह रहे थे कि टाइटन बिल 100%, आप कह रहे हैं डॉल्फिन जीतने वाली है। और भी लोग बता सकते हैं कि कौन सी टीम जीतने वाली है यहाँ से। गाइस मुकाबला बहुत ही बेहतरीन हो रहा है इस वक्त, 105 रन बन चुके हैं। बात करें 58 रन की आ सकता है, 33 बॉल का खेल बचा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा स्कोर नहीं है, टाइटन यहाँ से आसानी से जीत भी सकती है। हमारे साथ ए मैक्स जी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि कौन जीतेगा। तो मैक्स जी बताएं आपको, हम मुझे अभी भी टाइटन्स लग रहा है जीत सकती है यहाँ से। बाकी स्कोर डॉल्फिन ने अच्छा बनाया हुआ, अगर एक दो ओवर अच्छे निकलते हैं तो एक दो ओवर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो यहाँ से जीत सकते हैं। मैक्स जी कह रहे हैं डॉल्फिन जीतने वाली है, जीत सकती है डॉल्फिन, अगर बॉलिंग इसी तरह की रहेगी तो जीत जाएगी, अगर पर अगर एक दो ओवर अच्छे निकलते हैं तो कहना मुश्किल रहेगा। टाइटन्स विल विन ऑल ऑफ यू, मैं वही तो कह रहा हूँ, टाइटन जीत सकती है, लेकिन एक से दो ओवर अच्छी बल्लेबाजी करनी, 15 से 20 रन का ओवर चाहिए है इनको। जो स्कोर एक्स्ट्रा जा रहा है उसे, अब रिक्वायरमेंट रेट की बात करें तो 11 का हो रखा है, और इसे 9, 8 से 9 के आसपास, 9 के आसपास लाने की ज़रूरत है, या फिर 10 से 11 रन पर ओवर निकलते रहें तो जीत जाएगी यहाँ पर टाइटन्स। और भी लोग जो जुड़े हुए हैं वो कमेंट करें, जिससे आइडिया लगे कि हाँ क्या कहना चाह रहे हैं सब लोग। कुछ लोग यहाँ पर टाइटन्स के लिए कह रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए अनुज प्रजापति जी कह रहे हैं डॉल्फिन विन, वॉन वॉन तो नहीं कह सकते हैं, वॉन का मतलब है जीत चुकी है, अभी जीतेगी जब ही जब एंड होगा मैच, जब लास्ट बॉल डलेगी, जब कह सकते हैं हम कि हाँ मुकाबला अब फाइनल हो चुका है और डॉल्फिन ने जीत लिया है। अभी हम बिन की ही बात कर सकते हैं कि कौन सी टीम यहाँ पर बिन करने वाली है। दोस्तों मुकाबला बहुत ही शानदार चल रहा है, स्कोर की बात करें तो टाइटंस का 109 रन हो चुका है, 5 विकेट के नुकसान पर। मुकाबला बहुत ही जबरदस्त हो रहा है, और ये कहना मुश्किल है कि यहाँ पर अभी एक तरफा नहीं हुआ है कि कौन सी टीम यहाँ पर जीतने वाली है। और रिक्वायर रन रेट की बात करें तो 10.8 का है, अप्रॉक्स 11 का है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए कमेंट करके कह सकते हैं कि कौन सी टीम उनको लगता है जीतने वाली है। दोस्तों मुकाबला अभी की बात करें तो बहुत ही शानदार हो रहा है, और यहाँ पर हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीत रही है, और टाइटंस या फिर डॉल्फिन्स।
आपको क्या लगता है, आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है इस वक्त। हमारे साथ एक बेगाने जी का कमेंट आया हुआ, कह रहे हैं कि व्हाट यू थिंक ब्रदर, हु विल विन। भाई मुझे अभी भी लग रहा है कि यहाँ पर टाइटन जीत सकती है, पर अनुज प्रजापति जी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो मान रहे हैं कि नहीं भाई साहब, टाइटन्स नहीं जीतेगी, डॉल्फिन ही जीतेगी। ठीक है सर, आपकी बात को मैं बड़ा करता हूँ। देखने वाली बात रहेगी एंड में मैच किस तरफ जाता है। अगर आप इस चीज़ को देखें तो बहुत ज़्यादा 11 का रिक्वायर रन रेट है, तो रिक्वायर रन रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं कि अब टाइटन्स के पास बल्लेबाजी नहीं बची है, और पहली बाउंसर आती हुई इस वक्त, इस ओवर की पहली बाउंसर। तो बात करें 51 रन की आवश्यकता, 28 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इन ओवर में एक ओवर अगर बड़ा आता है तो आसानी से वापसी कर पाएगी टीम। टाइटंस की टीम वापसी जब ही कर पाएगी जब एक से दो ओवर उसके लिए बड़े, थोड़े से 15 से 20 रन के ओवर आए। हमारे साथ गोल्डन वाइब्स जुड़े हुए 7.1। आई एम गुलशन प्रजापति। ओके जी, हमारे साथ अनुज प्रजापति भी जुड़े हुए हैं और गोल्डन वाइब्स कह रहे हैं 7.1 कि टाइटंस वॉन करेगा, वेट करो। वो मुझे भी लग रहा है, लेकिन उससे पहले एक से दो ओवर उनको अच्छा खेलने की ज़रूरत। अगर टाइटंस जब ही जीतेगा जब उस वो एक से दो ओवर में बढ़िया बल्लेबाजी करती है। अगर बल्लेबाजी अच्छी नहीं कर पाएंगी तो कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम जीत रही है। बाकी बॉलिंग भी अच्छी करने की जरूरत। और एक सिक्स निकल कर आता हुआ भाई साहब, बहुत ही शानदार सिक्स। और स्कोर दो रन नो बॉल पे आए थे। बात करें तो 3 और 1 6 3 नौ नौ 10 रन आ चुके हैं एक ही गेंद पर। तो बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है इस वक्त। 70 121 रन हो चुके हैं, और ओवर की बात करें तो 15.3 ओवर का खेल हो चुका है। इस छक्के की मदद से बहुत ही चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। बात करें रिक्वायर रन रेट की तो 9.33 का हो गया है। दोस्तों बहुत ही शानदार मुकाबला हो रहा है बात की जाए इस वक्त। और हमारे साथ अनुज प्रजापति जो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि डॉल्फिन ही जीतने वाली है। जिन लोगों को लगता है कि टाइटन्स जीतने वाली है और जिन लोगों को लगता है डॉल्फिन जीतने वाली है, वो अपने कमेंट्स करते रहें। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी टीम इस मुकाबले में विन करने वाली है? अभी मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है गाइस, मुकाबला बहुत ही शानदार चल रहा है इस वक्त। बात करें हमारे साथ जुड़े हुए अनुज प्रजापति जी, कह रहे हैं कि अगले ओवर में विकेट गिरेगा 100%। और हमारे साथ बेगाने जी कह रहे हैं कि टाइटंस विन करने वाली है 100%। तो अभी देखने वाली बात यही रहेगी कि इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतने वाली है। और गेंदबाजी अगर अच्छी करेंगे तो डॉल्फिन जीत जाएंगे। यहाँ पर मैच 50-50 कंडीशन में आ चुका है, बहुत अधिक रन की आवश्यकता नहीं है। इस वक्त बात करें तो 41 रन की आवश्यकता, 27 गेंदों का एक वाइड और निकल कर आती हुई इस वक्त। तो स्कोर की बात करें तो 10 रन खर्च कर दिए हैं अभी तक टाइटन्स ने एक ही बॉल पर। तो जो रन चाहिए थे टाइटन्स को वो एक्स्ट्रा रन मिल गए हैं। और इसी तरह का अगर दो तीन एक दो बॉल पे और कुछ निकलता है तो टाइटंस यहाँ पर जीत सकती है। मुकाबला शानदार चल रहा है इस वक्त, और बढ़िया बॉल, डॉट बॉल निकल कर आती हुई। एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी अगर डॉल्फिन इस मुकाबले को जीतना चाहती है। और बात करें अगर टाइटंस इस मुकाबले को जीतना चाहती है तो उसे एक दो बड़े हिट और लगाने की ज़रूरत रहेगी। गाइस जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपने कमेंट्स भेज सकते हैं कि कौन सी टीम जीतने वाली यहाँ पर। तो दोस्तों मुकाबले की जहां तक बात करें तो बहुत ही शानदार चल रहा है। जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमें कमेंट भेज सकते हैं। और बात करें अगले कमेंट की तो हमारे साथ कमेंट अनुज प्रजापति का आया है, तो उन्होंने WW बना के भेजे हुए हैं। और हमारे साथ करण जी जुड़े हुए हैं, करण जी ने क्या भेजा है मुझे समझ में नहीं आया है। बाकी अनुज प्रजापति कह रहे हैं
इसी ओवर में विकेट गिरेगा। हमारे साथ मंजर आलम जी जुड़े हुए हैं, डॉल्फिन को जीतने की बात कर रहे हैं। दोस्तों जो लोग डॉल्फिन को जीतने की बात कर रहे हैं वो कमेंट कर दें, और जो लोग टाइटन के जीतने की बात कर रहे हैं वो लोग भी कमेंट कर दें। किसको लगता है टाइटन्स जीतने वाली है और किसको लगता है डॉल्फिन जीतने वाली है? मुकाबले की बात करें तो बहुत ही शानदार चल रहा है, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दें, ये कहने वाली बात नहीं रहेगी। तो देखने वाली बात यह कि इस बॉल पर 2 रन आते हुए और स्कोर बढ़कर कितना हुआ है, हम आपको कंफर्म करें। मुकाबले की जहां तक बात करें तो 125 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर, और इस वक्त 38 रन बाकी हैं जो कि टाइटंस की टीम को बनाने 4 ओवर है। तो 4 ओवर का खेल बचा हुआ है। अगर इस तरह का एक ओवर टाइटंस को मिलता है तो उसके लिए मुकाबला जीतना आसान हो जाएगा। अगर एक ओवर टाइट रह जाता है तो टाइटंस के फेवर में नहीं, वो टॉल्सन के फेवर में जा सकता है। आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं क्या लगता है। तो हमारे साथ कुछ कमेंट्स आए हुए हैं जिन्हें मैं बता दूं आपको कि डॉल्फिन विल लूज 100% कह रहे हैं बेगाने, पर साबा बेगाने जी कह रहे हैं कि डॉल्फिन विल लूज 100%। और हमारे साथ मनी शर्मा जी जुड़े हुए हैं, टाइटन जीत जाएगी क्योंकि फाइनल है। मारेंगे मतलब, ओके कोई नहीं, वो समझ में नहीं आया। हमारे साथ मंजर आलम जी कह रहे हैं डॉल्फिन विन 100%, और हमारे साथ बेगम सूरमा बेगम जी कह रहे हैं स्टॉप स्टॉप्ड स्कैमर व्हाट इज दिस। कोई नहीं, हमारे साथ दूसरा कमेंट जो है अनुज प्रजापति जी कह रहे हैं डॉल्फिन जीतने वाली है और विकेट के लिए कर रहे हैं डब्लू डब्लू लिख कर भेज रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और कुछ लोग चाह रहे हैं कि विकेट गिरे, पर अभी बल्लेबाजी की बात करें तो बहुत ही शानदार हो रही है, और देखने वाली बात रहेगी कि बल्लेबाजी किस तरह की रहने वाली है इस वक्त। आने वाले 1 से 2 ओवर में अगर एक ओवर में बल्लेबाजी अगर अच्छी रहती है तो मैच में मजबूती मिल जाएगी टाइटन की टीम को, और गेंदबाजी बढ़िया रहती है तो डॉल्फिन की टीम को मजबूती मिल जाएगी, क्योंकि यह ओवर और इसके बाद वाला ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो बात करें 17वां ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, 17वां और 18वां ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, और किस तरह की गेंदबाजी करते हैं यह देखने वाली बात रहेगी। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष शर्मा जी कह रहे हैं रन मारेंगे लास्ट में, लग तो ऐसा ही कुछ रहा है, लेकिन अभी जीतता कौन है ये देखने वाली बात होगी। तो हम आपको स्कोर बता देंगे कि स्कोर क्या हुआ है इस वक्त। 126 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर, 16.2 ओवर का खेल हो चुका है, और रन की बात करें तो 37 रन की आवश्यकता है, 22 गेंदों का खेल बचा हुआ है। किस तरह का रहने वाला है ओवर, अभी तक 2 गेंदें बहुत ही बेहतरीन डाली हुई हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस ओवर में क्या स्कोर बनने वाला है, 10 रन या 5 रन या 15 रन? टाइटन की टीम की बात करें तो इस ओवर टाइटन्स के लिए अच्छा नहीं जा रहा है, और बात करें डॉल्फिन की तो बेहतरीन बॉलिंग करते हुए सिमी लेन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त, 3 गेंदें डाल चुके हैं और 1 रन दिया हुआ है उन्होंने सिर्फ। गैलीम को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी इस ओवर में, अभी तक 3 गेंदें आ चुकी हैं, बॉलर स्टॉप हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है उनको जिसकी वजह से वो रुक गए हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है, हमारे साथ कुछ कमेंट और भी आए हुए हैं जिन्हें हम देखते हैं। बेगाने जी कह रहे हैं कि टाइटन्स 100%, लग तो भाई ऐसे ही रहा है, लेकिन अभी विकेट अगर गिरेगा तो समस्या रहेगी, पर अभी विकेट गिरा नहीं है, देखने वाली बात रहेगी। इस ये ओवर भी बहुत ही अच्छा रहा है, शानदार ओवर रहा है अभी तक की बात करें इस ओवर में।
बहुत ही बेहतरीन ओवर रहा है इस वक्त। बात करें 127 रन बन चुके हैं, और इस ओवर की बात करें तो 2 रन ही आए हैं, जो कि डॉल्फिन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण जाता हुआ। 20 गेंदों में 36 रन रिक्वायर रन रेट की बात करें तो 10.8 का हो चुका है, और ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है अभी तक की बात की जाए। इसमें सिर्फ 2 रन बने हैं और 4 गेंदें निकल चुकी हैं। दोस्तों मुकाबला बहुत ही बेहतरीन हो रहा है इस वक्त, और डॉल्फिन जीतने की बात की जा रही है कि डॉल्फिन तो जीतने वाली है 100%, तो अब ऐसा ही लग रहा है। नेक्स्ट ओवर में 15 है भाई, फिक्स 100%। देखते हैं भाई साहब क्या होता है अगले ओवर में। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त हो रही है, और मुकाबले की बात करें तो मुकाबला बहुत ही कड़ा होने वाला है। 128 रन इस लास्ट बॉल पर, एक वाइड निकल कर आती हुई इस वक्त, और स्कोर की बात करें तो 129 रन हो चुके हैं इस बॉल के बाद। 3 ओवर का खेल रहने वाला है। रन रिक्वायर्ड की बात करें तो 34 रन की आवश्यकता है, और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कर दें। और बात की जाए इस वक्त तो कुछ कमेंट्स देख लिए जाए। कमेंट की बात करें तो बगानी जी का कमेंट है, वो कह रहे हैं नेक्स्ट ओवर में 15 आने वाला है। देखते हैं क्या अगले ओवर में 15 रन आने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार गेम चल रहा है इस वक्त, और कौन सी टीम जीतने वाली है अभी तक के हिसाब से कहा जाए तो ये ओवर बेस्ट रहा है। और एक चौका निकल कर आता हुआ इस ओवर में, एक बढ़िया बाउंड्री आती हुई टाइटंस के लिए। 133 रन स्कोर हो चुका है 5 विकेट के नुकसान पर। स्कोर की बात करें तो स्कोर बढ़कर 133 रन हो चुका है। इस बॉल पर चौका आने से जो इक्वेशन खराब हुआ था डॉल्फिन टाइटंस टीम का, वो बढ़िया होता हुआ। 3 ओवर में 30 रन ही चाहिए हैं। देखते हैं मुकाबला लास्ट बॉल तक जाने वाला है क्या, आपको क्या लगता है आप कमेंट कर सकते हैं यह मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कमेंट कर सकते हैं कि उनको क्या लगता है कौन सी टीम यहाँ पर यह मुकाबला जीतने वाली है। इस ओवर की जहाँ तक बात करें, ये ओवर एवरेज रहा है। रन की बात करें तो एवरेज ही रहा है, ना ज़्यादा रन आए हैं, और बात की जाए ना कम रन आए, 8 रन आ गए हैं, जिससे जो समस्याएं होने वाली थी समस्याएं नहीं हुई हैं अभी। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चल रहा है इस वक्त। फाइनल खेला जा रहा है टाइटंस और डॉल्फिन के बीच CSA T20 चैलेंज का, और इस ओवर की पहली गेंद पर एक सिंगल निकल कर आता हुआ। बॉलिंग करने के लिए वाटमैन आए हुए हैं, उन्होंने जिन्होंने 2.1 ओवर में 26 रन खर्च किए हैं। दोस्तों इस वक्त बात करें तो बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चल रहा है, और कौन सी टीम जीतने वाली अभी कह पाना मुश्किल है। तो हमारे साथ बगाने जी का कमेंट आया है, कह रहे हैं 15 ने इस ओवर में आने वाले हैं, तो अभी पहली बॉल पर सिंगल ही आया हुआ है। और वहीं हमारे साथ अनुज प्रजापति जी कह रहे हैं कि सॉरी यार वो नहीं गिरा। इसमें सॉरी की कोई बात नहीं, हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ अभी ये होने वाला है। होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है, वो टीम जैसा खेलेगी वैसा ही होगा। इस ओवर में आप बता दीजिए क्या होने वाला, अब 2 विकेट गिरेगा, देखते हैं जी अब 2 विकेट गिरते हैं या फिर इस ओवर में क्या होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है, इस ओवर में क्या होने वाला है देखने वाली बात रहेगी। 139 रन बन चुके हैं, और इस ओवर की जहां तक बात करें तो अभी तक 6 रन आ चुके हैं। एक सिंगल आया और इसके बाद चौका और एक सिंगल, तो अभी 24 रन की आवश्यकता है टाइटंस की टीम को। 15 गेंदों का खेल बचा हुआ, और उस बॉल को उठा दिया है, बॉल बहुत ही ऊंची जा रही है, लेकिन बाउंड्री से पहले बॉल को रोक लिया है, और इस बॉल पर 2 रन आते हुए टाइटंस की टीम को 22 रन की आवश्यकता है और 14 गेंदों में जीतने के लिए। क्या ये गेम अंतिम बॉल तक जाने वाला है, कैसा रहने वाला है मुकाबला, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत ही शानदार गेम अभी चल रहा है बात करें, और कौन सी टीम जीतने वाली है ये लास्ट बॉल तक जाने वाला है।
अभी कह नहीं सकते हैं ये मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है। दोस्तों बहुत ही शानदार गेम चल रहा है इस वक्त, डॉल्फिन और टाइटंस के बीच फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, और जिसे लगता है कि टाइटंस की टीम जीतने वाली है वो कमेंट कर सकता है, और जिसे लगता है कि डॉल्फिन की टीम जीतने वाली है वो कमेंट कर सकता है। दोस्तों मुकाबला बहुत ही बेहतरीन हो रहा है अभी, और हम आपको बता दें कि स्कोर इस वक्त 143 रन बन चुके हैं, 143 रन बन चुके हैं। और बात करें रिक्वायर्ड रन रेट की तो वो 9.23 का है, और इस बॉल पर सिंगल आता हुआ 144 रन 5 विकेट नुकसान पर। कौन सी टीम जीतने वाली है अभी कहा नहीं जा सकता, मुकाबला बहुत ही कड़ा हो रहा है, अच्छी फाइट चल रही है इस वक्त। बात की जाए तो जो विन परसेंटेज रियल टाइम वाला रहता है उस पर अब 71% टाइटन्स को दिखाने लगे हैं, और डॉल्फिन को 29% दिखाने लगे हैं। तो कुछ देर पहले डॉल्फिन को प्लस दिखा रहे थे और टाइटन्स को कम दिखा रहे थे, इस वक्त की बात करें तो 72% अब दिखा रहे हैं। दोस्तों गेम की बात करें तो मुकाबला बहुत ही बेहतरीन चल रहा है इस वक्त, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए, बहुत ही बढ़िया मुकाबला चल रहा है, और जो लोग नए लोग जुड़े हुए हैं वो कमेंट करें। ऐसे लग रहा है कि अनुज प्रजापति जी हार मान रहे हैं, ऐसे मत करो यार, स्टेबल रहो, अब लगता है डॉल्फिन हार जाएगी। नहीं भाई, गेम तो एंड तक जाने वाला है, कि कौन सी टीम जीतने वाली अभी कहा नहीं जा सकता है। हाँ अब सही कह रहे हो आप, डॉल्फिन जीतेगी ब्रो। मुकाबले की बात करें तो मुकाबला बहुत ही बेहतरीन चल रहा है इस वक्त, कौन सी टीम जीतने वाली यहां अभी कहा नहीं जा सकता है। हमारे साथ बगाने जी कह रहे हैं कि दिस ओवर मैच फिनिशिंग, आलम जी कह रहे हैं जीतेगी फाइनल। कौन जीतेगा आलम जी बताइए, ऐसे अधूरा कमेंट क्यों करते हैं। दोस्तों मुकाबला बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, और एक चौका निकल कर आता हुआ इस बॉल पर, टाइटंस को 15 रन की आवश्यकता है सिर्फ 11 गेंदों में। मुकाबले की बात करें तो मुकाबला अभी बहुत ही बेहतरीन चलता हुआ, 148 रन बन चुके हैं, 5 विकेट के नुकसान पर, 18.1 ओवर का खेल हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन गेम चल रहा है इस वक्त। हमारे साथ अविनाश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, टाइटन जीतेगी कन्फर्म, और मंजर जी जो बात कर रहे हैं, मंजर आलम जी बात कर रहे हैं टाइटन्स जीतेगी। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला, इस बॉल पर सिंगल आता हुआ और टाइटन्स को 14 रन की आवश्यकता है 10 गेंदों में, और 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए इस वक्त, मिस फील्ड हुआ और यहाँ पर एक और रन आता हुआ। तो अब बात की जाए टाइटन्स को 13 रन की आवश्यकता है, 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है। बात करें तो अब इस वक्त डॉल्फिन की टीम अगर एक ओवर अच्छा डालती है तो मजबूत हो सकती है, वरना 13 रन की आवश्यकता है, 10 गेंदों का खेल बचा हुआ, बची हुई 4 गेंदें अगर डॉल्फिन अच्छी डालती है तो वापसी कर पाएगी इस वक्त। अगले ओवर में 13-14 रन चाहिए होंगे, उस बॉल को उठा दिया है और बॉल पास में ही रही, ज़्यादा दूर नहीं गई, हवा में उड़ गई थी गेंद, 1 रन आता हुआ इस बॉल पर। बल्लेबाज तो सोच रहे थे आउट हो जाएंगे पर बच गए। हाँ भैया, कुछ काम कर रहा था भैया, बीस तो नहीं हो पाएंगे यार, कितनी होता है पेज बड़ा है, अभी आप थोड़ी देर में ले लो, कितनी देर बाद, 10-15 मिनट बाद, 10-15 मिनट बाद। हाँ कुछ काम कर रहा था थोड़ा सा, कर लूँ निकाल, कुछ काम कर रहा था वो, अभी कर लूँ, बस अभी दे रहा हूँ, 10 मिनट बाद दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो चलो ठीक है। स्कोर की बात करें तो 152 रन बन चुके हैं, और एक सिंगल आता हुआ, 9:22 हुए अभी, रुक जाओ, 152 रन बन चुके हैं, 5 विकेट नुकसान पर, 18.4 ओवर का खेल हो चुका है। बात करें तो अब 11 रन की आवश्यकता है,
कौन सी टीम जीतती है, क्या लगता है आपको? और एक चौका निकल कर आता हुआ यहाँ पर, 7 रन की आवश्यकता है 7 गेंदों में, बहुत ही शानदार। हमारे साथ अविनाश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं आपका चैनल बहुत ही बढ़िया है सर। जो लोग जुड़े हुए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अभी तक मैंने आपसे नहीं कहा था कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग जुड़े हुए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे अगले मैच में हम आपसे मिल सकें और मुलाकात हो सके। दोस्तों बहुत ही शानदार मुकाबला होने वाला, चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। मुकाबला बहुत ही शानदार हुआ और डॉल्फिन की टीम और टाइटंस ने दोनों ने बढ़िया खेला है। हमारे साथ परसवा बगाने जी कह रहे हैं कि टाइटंस की जय हो, तो टाइटंस की जय हो, अभी तो लग रहा है कि होने वाली है, 6 गेंदों में 6 रन चाहिए हैं। अरे अनुज प्रजापति जी अब तो यार कहाँ से जीत जाएगी, डॉल्फिन जीतेगी ब्रो, अब तो नहीं मान सकता मैं। मुकाबला बहुत ही बढ़िया हो चुका है और बहुत ही शानदार ओवर डालना पड़ेगा अगर ये मुकाबला जीतना चाहेगी। मतलब ऐसे मान चलो बहुत ही शानदार ओवर डालना पड़ेगा अगर ये ओवर डॉल्फिन जीतना चाहेगी, क्योंकि 6 गेंदों में 6 रन बन सकते हैं। अभी तो मानना चाहिए अनुज प्रजापति जी कि डॉल्फिन जीतने वाली नहीं है, मुझे तो मुश्किल लग रहा, बाकी अब 99% मुश्किल लग रहा है कि डॉल्फिन तो नहीं जीतने वाली है। 6 रन चाहिए 6 गेंदों में, कहाँ 60 रन चाहिए थे, जब से वो बल्लेबाज बढ़िया बल्लेबाज 59 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। आप ऐसे मान के चलो 31 गेंदों में, जब जाके मैच थोड़ा सा टाइटन्स के फेवर में नहीं था। मंजर आलम जी आपकी बात बिल्कुल 100% सही है और अच्छा, मतलब आपको मालूम है क्या मैच फिक्स है क्या अनुज प्रजापति जी, लास्ट ओवर में 2 रन रहेंगे, हो सकता है। भाई साहब आपके पास कुछ अपडेट हो, मेरे पास ऐसी कोई अपडेट नहीं है। बहुत बढ़िया जी, दोस्त आप जो लोग जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कर दें प्लीज। वैसे आपने आपसे मैंने अभी तक कहा नहीं था कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, आप कर दीजिए। जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं अगले मैच में आपसे मिल पाएंगे। मुकाबला बहुत ही शानदार रहा है अभी तक, और बात की जाए तो बहुत ही अच्छी गेंद, और इस पर अनुज प्रजापति के हिसाब से इस पर कोई रन नहीं आया है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या 1-2 रन से मैच हारने वाली है टाइटंस? मुझे तो मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। और 6 निकल कर आता हुआ, टाइटंस मुकाबला जीत गई है दोस्तों, सॉरी सॉरी इसको कन्फर्म किया है 4 रन आते हुए। लग तो रहा था बॉल बाउंड्री से थोड़ा पहले गिरी, लग देखने में ही लग रहा था कि ये 6 गया है, लेकिन अंपायर ने कन्फर्म किया है 4 रन मिला इस बॉल पर। अब बात की जाए तो सिर्फ 2 रन की आवश्यकता है। जो साथी जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अगले मैच में हम आपसे मिल सकें। मजर आलम जी सब्सक्राइब कर दीजिए यार, और अनुज प्रजापति जी आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए भाई साहब। जो साथी जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और बात करें तो इस वक्त टाइटंस को 2 रन की आवश्यकता है, 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है। और इस वक्त स्कोर की बात करें, रन आउट को चेक किया जा रहा है, स्कोर भी लेवल हो चुका है, एक सिंगल डबल लेने के चक्कर में एक रन आउट होने के चांसेस बन गए हैं, और देखते हैं कि यार रन आउट होता है या फिर नहीं। बहुत ही मुकाबला कांटे का हुआ है अब तक, और इस ओवर में क्या टाइटंस और ये आउट हो गए हैं। बात की जाए तो एक टाइटन को जीतने के लिए 2 रन चाहिए हैं, 3 गेंदों में 2 रन चाहिए हैं। यहाँ पर कंफर्म करते हैं रन शॉर्ट रहा है क्या, ये आइडिया नहीं लगा अभी तक, देखते हैं क्या रहता है। अनुज प्रजापति जी खुश हो रहे हैं इस वक्त, W लिखकर भेज रहे हैं, विकेट गिर चुका है भाई साहब, मुझे भी मालूम हो गया है। देखते हैं कि जीतता कौन है यहाँ पे। जो साथी जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे अगले मैच में हम उनसे मिल सकें और हमारी मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़ सके। जो बात की जाए तो 2 रन की आवश्यकता है 3 गेंदों में।
मुकाबला बहुत ही जबरदस्त हुआ है। अभी बात करें तो एक समय में ऐसे लग रहा था कि टाइटंस टीम मैच हार जाएगी जब उनका पिछला विकेट गिरा हुआ था, लेकिन पार्टनरशिप की जहां तक बात करें 63 रन की पार्टनरशिप हुई है 34 गेंदों में। दोस्तों बहुत ही शानदार रहा मुकाबला, रन आउट होकर एक बल्लेबाज जाता हुआ, और क्या इस 3 बॉलों में कुछ खेल होने वाला है। जिस तरह से 2 रन से कहा था कि 2 रन रह जाएंगे, तो अभी 2 रन ही बाकी हैं, क्या कुछ होने वाला है देखने वाली बात रहेगी। टाइटन विनर सागर जी कह रहे हैं, सागर जी कह रहे हैं टाइटन जीत गई है। और बात करें अनुज प्रजापति, अभी भी डॉल्फिन का साथ नहीं छोड़ा है। बहुत ही अच्छी बात यह लगी कि जिसको पकड़े हैं उसको छोड़े नहीं हैं। बहुत ही शानदार मुकाबला इस वक्त हुआ है और बॉल को उठा दिया है। देखते हैं 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। तो फिर इस मुकाबले की बात करें तो टाइटंस ने मैच जीत लिया है 4 विकेट से। टाइटंस ने यह मुकाबला जीत लिया है 4 विकेट से। बहुत ही शानदार मुकाबला दोस्तों। जो लोग हमारे साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपसे अगले मैच में जरूर मिलेंगे। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम आपको अगले मैच में आपको मिल सकें। टाइटन्स की बात करें तो मुकाबला 4 विकेट से जीत गई है।